आज इस शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, जिनके द्वारा लोकार्पण भी किया गया और शिलान्यास भी किया गया, तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा साहब, मेरे साथी महेश जी जोशी कैबिनेट में, लोकप्रिय विधायक रफीक भाई और बाकी जब उपस्थित सज्जनों जो मंच पर विराजमान है, और मेरे सम्मुख विराजे हुए नागरिक बंधुओं तथा बहनों, हम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वक्त वक्त पर की गई बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए जयपुर में ये विकास कार्य चल रहे हैं। लगभग 2000 करोड़ रुपए के कार्य बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए जयपुर में हाथ में लिए गए हैं, जिसमें जयपुर की पारंपरिक स्थापत्य कला संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए सौंदर्यकरण के काम भी करवाए जा रहे हैं। साथ ही 7 चौराहों को, जिनको चिन्हित किया गया है, उनको ट्रैफिक लाइट मुक्त किया जाने का कार्यक्रम भी हाथ में लिया गया है। आज पहला उसका जो है लोकार्पण मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, जो नेहरू उद्यान के पास में लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के नाम तिराहे के नाम से प्रसिद्ध है। हमारी सरकार द्वारा महात्मा गांधी के संपूर्ण चरित्र पर आधारित गांधी वाटिका का निर्माण 85 करोड़ रुपए की लागत से को पूरा किया जा रहा है, जिसका लोकार्पण भी 23 सितंबर 2023 को करने होने जा रहा है, जिसमें खास तौर पर युवा पीढ़ी गांधी जी के विचारों और दर्शनों से रूबरू हो सकेगी। हमारी सरकार के द्वारा हमारे लोकप्रिय विधायक प्रताप सिंह जी का नाम लेना भूल गया मैं माफी चाहता हूं, और गोपाल जी मीणा, वो भी हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, तथा मेयर मुनीष जी गुर्जर और डिप्टी मेयर असलम फारूकी भाई, महेश जी शर्मा, राजीव जी अल्ला, मैं नाम भूल गया, और इसी तरीके से हमारे पुराने अधिकारी गोयल साहब, यूडीए सेक्रेटरी टी रविकांत जी, और जेडीए के कमिश्नर जोगाराम जी साहब, सबको संबोधित करना भूल गया मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि वक्त की कमी है, इस वजह से ये भूल चूक हो जाती है। हमारी सरकार के द्वारा, तो मैं कह रहा था कि हमारी सरकार के द्वारा बीजेपी सरकार के अधूरे प्रोजेक्ट, चाहे जोहोता, दातली, आरोबी हो, बस्सी का, बंबाला पुलिया का और भारत जोड़ो सेतु का काम भी प्राथमिकता के तौर पर हमने ही पूरा किया, ये छोड़ गए थे बीजेपी वाले, लेकिन हमने पूरा किया। इसी प्रकार से आज जो नेहरू उद्यान के पास में अंडरपास बनाया गया है, जिससे कि वहां पर रेड लाइट फ्री होगा लक्ष्मी मंदिर तिराहे के पास में, उसके बाबत मुख्य जंक्शन वर्तमान में जंक्शन पर व्यस्ततम समय में ट्रैफिक लाइट की अत्यंत समस्या रहती थी, समय के साथ साथ ईंधन की बर्बादी भी होती थी। सौंदर्यकरण एवं ट्रैफिक सिग्नल मुक्त जंक्शन बनाया जाना प्रस्तावित था। सौंदर्यकरण के साथ साथ सब्जी मंडी सड़क से टोंक रोड पर लगभग 400 मीटर की लंबाई के दो लेन अंडरपास बनाया जा चुका है, जिस पर कुल मिलाकर के राशि 65 करोड़ हुई है। मुख्यमंत्री जी की मंशा ये थी कि जयपुर को भी जहां तक संभव हो सके रेड लाइट फ्री किया जाए, तो उस प्रयास में ये पहला प्रयास है
कि जिससे कि जो है लक्ष्मी मंदिर सिनेमा का जो किराया है वो आज लाइट फ्री होने जा रहा है। इसी प्रकार से रामनिवास बाग की पार्किंग का सवाल है, हमने सबसे पहले यहाँ पर पार्किंग बनाई जिसमें भी सैकड़ों की तादाद में जो है शहरवासियों को राहत मिली थी और उनकी पार्किंग हुआ करती थी। अब उसी को बढ़ा करके कुल मिलाकर के 94 करोड़ रुपया उस पर खर्च करके अब पार्किंग जो बनाई जा रही है वो दो स्थानों पे बनाई जा रही है। एक तो फुटबॉल ग्राउंड के नीचे बनाई जा रही है और एक रविंद्र मंच के सामने बनाई जा रही है, जिससे कि करीब करीब 1500 चौपहिया वाहनों की पार्किंग मिलेगी और करीब 200-250 के करीब जो है वो उसमें दो पहिया वाहनों के पार्किंग मिलेगी, 4 पहिया वाहनों के साथ साथ। आगरा रोड पर सिल्वन जेव पार्क बनाया गया है जो प्रॉपर्टी तो वन विभाग की है लेकिन जेडीए के सहयोग से वहां पर काफी बड़ा ट्रैक बनाया गया है, 8 करोड़ रुपए की लागत आई है। वहां पर इसी के साथ साथ 10,000 वृक्ष भी लगाए गए हैं, 10,000 झाड़ियां लगाई गई हैं, बेल लगाई गई हैं हजारों की तादाद में और औषधि के पौधे भी 20,000 करीब लगाए गए हैं। इसी प्रकार गोविंद देव जी के मंदिर के सौंदर्यकरण के बाबत मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी जिसकी तहत उज्जैन के महाकाल के मंदिर के की तर्ज पर इसको जो है विकसित किया जाएगा और उसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा गया है जिसमें मंदिर तक पहुंचने के पहुंच मार्ग पर जीर्णोद्धार सौंदर्यकरण व जन सुविधाओं का विकास किया जाएगा। शहर के चारों राजमार्गों पर सैटेलाइट अस्पतालों का निर्माण किया जाएगा जिसके लिए करीब 100 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा गया है। ये सैटेलाइट अचरोल में, कानोता में, बालमुकंदपुरा जो अजमेर रोड पर है और शिवदासपुरा रोड टोंक रोड पर है वहां पर बनाए जा रहे हैं और 25 सितंबर से इनका कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। आखिरी में जो सबसे बड़ा कंजेशन है वो उच्च न्यायालय के सामने हाईकोर्ट के सामने देखने को मिलेगा आपको, दोनों तरफ दो दो तीन तीन लाइन में जो है कारें खड़ी मिलती हैं। बार बार इसके लिए सोचा गया, आखिर में मुख्यमंत्री जी ने ही जो है इसके लिए ये बजट घोषणा की कि दो स्तरीय भूमिगत पार्किंग बनाई जाए जिसमें 536 चौपहिया वाहनों को और 221 दोपहिया वाहनों को पार्किंग की जावे। राजस्थान उच्च न्यायालय के गेट नंबर 2 की तरफ जाने वाले पैदल यात्रियों का सबवे का निर्माण भी इसमें किया जाएगा। तो ये सब काम बहुत तेजी से किया जा रहा है क्योंकि जयपुर की जनसंख्या 40-35 से लेकर के 40 लाख तक की हो गई है और हर साल शहरीकरण में 4.5 की प्रतिशत से जो है वो जनसंख्या यहाँ की बढ़ती जा रही है और जितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है उससे दुगनी वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो उस बात को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने वक्त वक्त पर बजट घोषणा में जो काम किए उनको जेडीए ने अपने हाथ में लिया है और हाथ में लेकर के उनको पूरा करने का जो है इरादा बनाया है, बजट स्वीकृत किया गया है। तो मैं ये समझता हूं कि इन सब कामों को लेकर के जो आज मेट्रो का उद्घाटन हुआ, अब मेट्रो का देखिए आप, मेट्रो कांग्रेस ही लेके आई है, मुख्यमंत्री जी का ही सोच था। मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले एक श्रीधरन का स्टेटमेंट पढ़ा था, श्रीधरन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कोटा में ये स्टेटमेंट दिया था कि जयपुर में मेट्रो आनी चाहिए। उस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने जो है ये निर्देश दिए कि जयपुर में मेट्रो चालू की जाए। हमने पिछली गवर्नमेंट के टाइम पे, पिछली जब सरकार गहलोत सरकार काम कर रही थी उस वक्त जो मेट्रो चालू करी अपने वक्त में ही जो है उसको चालू करके दिखाया। आज भी जो मेट्रो चालू की गई है, अब आप तो नजदीक चुनाव आ गए लेकिन आपका बड़ी चौपड़ से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर तक की जो मेट्रो रखी गई है उसके लिए 980 करोड़ रुपए का प्रोविजन मुख्यमंत्री जी ने रखा है और मैं समझता हूँ कि अगली बार जब हमारी सरकार भरेगी
तो सरकार के 2-3 साल के अंदर अंदर ही इस काम को जो है हम खत्म करेंगे और जयपुर के लोगों को राहत देंगे। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जयपुर वासियों को, और ये आशा करता हूँ कि आपका सहयोग जिस प्रकार से हमेशा मिलता रहा है वो मिलता रहेगा। जय हिंद, धन्यवाद।